जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। मेरा आज का जो वीडियो है इंडियन नेवी, जी हाँ इंडियन नेवी में आप लोग की एक रिक्रूटमेंट आई हुई है, 127 वैकेंसी है। इसको लेकर के काफ़ी स्टूडेंट परेशान चल रहे हैं, कई मैसेजेस नोटिस वगैरह मेरे पास आए, सर इसके बारे में जानकारी दीजिए, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं मिल पा रही, सर ये वैकेंसी कैसी है। 127 टोटल वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत फार्मासिस्ट फायरमैन की 120 वैकेंसी है और इसमें आप लोग की पेस्ट कंट्रोल वर्कर की वैकेंसी है। तो इसमें आप लोग के ऑफलाइन अप्लाई हो रहे हैं, मैं आप लोग को यहाँ पे डिटेल देने वाला हूँ। इंडियन नेवी की ये वेबसाइट है और ये आप लोग का जो है नोटिस है, ये आप लोग का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया था, जो कि 26 फरवरी से 4 मार्च वाले न्यूज़पेपर में आया था। तो मैंने आप लोग को इसकी जानकारी नहीं दी, क्यों नहीं दी पूरी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। ये इसका जो है ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है, न्यूज़पेपर में, और इसके अलावा ऑफिशियल नोटिस भी यहाँ पे आ चुका है। तो अब मैं आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा क्यों मैंने आप लोग को इसकी जानकारी नहीं दी, क्या है ये वैकेंसी, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आप लोग की जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी के अंतर्गत रिक्रूटमेंट, ध्यान से सुनिए, रिक्रूटमेंट बाई ट्रांसफर या फिर नाव एब्जॉर्प्शन बेस पे आप लोग की ये भर्ती है, हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें आप लोग का जो है ट्रांसफर और नाव एब्जॉर्प्शन के बेस पे आप लोग की भर्ती है, यानी कि डेप्यूटेशन बोलिए, एब्जॉर्प्शन बोलिए आप, ठीक है, इस बेस पे आप लोग की वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। तो यहाँ पे एब्सॉर्प्शन, इसके अलावा डेप्यूटेशन वगैरह ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। तो मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग यदि डिफेंस के अंतर्गत वर्किंग में हैं, ठीक है, आप लोग किसी और डिपार्टमेंट में हैं, सिमिलर पोस्ट पे हैं, इक्विलेंट हैं, या फिर हायर ग्रेड पे आप लोग वर्किंग में हैं, लोअर फॉर्मेशन के अंतर्गत डिफेंस सर्विस के अंतर्गत ही, तो आप लोग जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसे ही बोला जाता है एब्सॉर्प्शन बेस या फिर आप लोग बोलिए डेप्यूटेशन बेस पे, ठीक है। तो कुछ समय के लिए यहाँ पे नियुक्ति होती है, उसके बाद जो है आप लोग जो है मूल अपने मूल कैडर में यहाँ पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी आप लोग की निकली हुई है, ठीक है, इसे ही आप लोग डेप्यूटेशन बोलिए, एब्सॉर्प्शन बेस पे बोलिए, ये वैकेंसी होती है। यानी कि ये जो वैकेंसी है आम स्टूडेंट्स के लिए, नॉर्मल जो कि हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास है, उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है। ये वैकेंसी उनके लिए है जो कि जॉब में है, डिफेंस में है, ठीक है, सिमिलर या फिर इसके इक्विलेंट या फिर इससे हायर ग्रेड, यानी कि जो वैकेंसी निकली हुई है जिस ग्रेड की उससे हायर ग्रेड हो या फिर उसके सिमिलर ग्रेड हो या फिर उसके इक्विलेंट ग्रेड हो, डिफेंस में ही आप वर्किंग में हो, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इंडियन नेवी के अंतर्गत जाने के लिए। जी हाँ, इंडियन नेवी में जो आप लोग की वैकेंसी है, फायरमैन की हो, चाहे फार्मासिस्ट की या पेस्ट कंट्रोल की, तो इन वैकेंसी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर मैंने आप लोग को कर दिया है। काफ़ी समय से स्टूडेंट परेशान चल रहे थे, कई मैसेजेस आए मेरे को, नोटिस वगैरह आए, कोई इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो मैंने आप लोग को जानकारी दे दी। इसी वजह से मैंने आप लोग के लिए वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ये वैकेंसी आप लोग के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो सर्विस में है, जॉब में है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिफेंस के अंतर्गत, वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की एक वैकेंसी है, फायरमैन की काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है 120, पेस्ट कंट्रोल की 6 वैकेंसी है मुंबई के अंतर्गत, ठीक है, वेस्टर्न कमांड मुंबई में ही आप लोग की ये वैकेंसी है, बिल्कुल वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई के अंतर्गत वैकेंसी। तो आप लोग समझ गए, एब्सॉर्प्शन बेस पे है, डेप्यूटेशन बेस पे आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आप लोग की जो अभी पिछली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ थी उसमें इसकी जानकारी दी गई थी। तो एज देख लीजिए आप लोग, 56 साल यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मांगी गई। यदि आप लोग के लिए भर्ती होती तो यहाँ पे 18 से 23 साल होती, 18 से 25 साल होती, 22 साल होती, इस तरीके से आप लोग की एज होती। तो यहाँ पे 56 साल मैक्सिमम मांगी गई है, ठीक है। क्लोजिंग डेट यहाँ जो रहने वाली है आप लोग की 2 मई 2022 क्लोजिंग डेट रहने वाली है। तो यदि आप लोग जॉब में हैं और आप लोग जाना चाहते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फार्मासिस्ट में 10th पास होने चाहिए और रजिस्टर्ड होने चाहिए आप लोग जो है फार्मासिस्ट एक्ट के अंतर्गत। फायरमैन के लिए आप लोग 10th पास होने चाहिए और इसके अलावा फिजिकली फिट आप लोग होने चाहिए, यानी कि आप लोग के फिजिकल फिटनेस होना चाहिए 165 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी एससी और एसटी वालों की जो है 162.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए।
चेस्ट 81.5 सभी के लिए और फुलाव के बाद 85 होनी चाहिए सभी के लिए। वेट मिनिमम 80 केजी यहाँ पे होना चाहिए, स्पेशली फायरमैन के लिए बता रहा हूँ क्योंकि फायरमैन में यहाँ पे आप लोग का फिजिकल भी होने वाला है। एंडोरेंस टेस्ट आप लोग का होगा 63.5 केजी, 183 मीटर 96 सेकंड का टाइम आप लोग को मिलने वाला है जी हाँ फायरमैन का। इसके अलावा आप लोग की जो है 2.7 मीटर का जो आप लोग का गड्ढा है उसे आप लोग को कूदना है दोनों पैरों का यूज़ करते हुए, और 3 मीटर वर्टिकल रोप आप लोग की जो रस्सी है उस पर चढ़ाई करनी है हाथ और पैर का उपयोग करते हुए, ठीक है। सारा का सारा प्रोसेस एक ही है, सेम है, 10th पास भी है, लेकिन ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही है। यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल के लिए 10th पास प्लस आप लोग को हिंदी या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है आप लोग की उसकी जानकारी होनी चाहिए। मोड ऑफ सेलेक्शन आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इजी मोड ऑफ सेलेक्शन है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आप लोग का यहाँ पे होने वाला है, जब भी आप लोग को बुलाया जाएगा मेल या फिर पोस्ट वगैरह आप लोग को कर दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग को जो है प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह आप लोग का होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डिटेल यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। लास्ट डेट आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है 60 डेज, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आप लोग की ये एडवर्टाइजमेंट आई है तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो ऐड आया आप लोग का 26 मार्च 2022, 2 मई 2022 आप लोग की लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है, और डिफरेंट स्टेट से इन स्टेट से आप लोग आते हैं तो 67 डेज तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी समय है आप लोगों के लिए, लेकिन ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। हाउ टू अप्लाई, आप लोग के ऑफलाइन अप्लाई होने हैं, ठीक है, बाहर वाले लिफाफे पे आप लोग का एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और इसके अलावा बाई ट्रांसफर नाउ एब्जॉर्प्शन बेस पे आप लोग भर्ती ले रहे हैं इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। एड्रेस आप लोग को दे दिया गया, मुंबई का एड्रेस है। इसके अलावा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग को दिए गए हैं, सर्विस एक्सपीरियंस वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को लगानी पड़ेंगी और पेपर वगैरह जो भी हैं, ठीक है, विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट, स्टेटमेंट ऑफ माइनर पेनल्टीज वगैरह यदि कुछ आप लोग को है तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग को लगानी पड़ेंगी। इसके अलावा आप लोग को एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड एंड डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस में कब आपने एंट्री करी थी उसकी डिटेल, फोटो यहाँ पे चिपकानी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अदर क्वालिफिकेशन वगैरह की डिटेल आप लोग को देनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग को जो है स्टेट क्लियरेंस वगैरह की जानकारी देनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जो ऑफिस वगैरह आप लोग का इसकी डिटेल देनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताइए, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग की ऑफिस से रिलेटेड ही है, ठीक है, एडोक बेस पे हैं, परमानेंट बेस पे हैं। एडिशनल डिटेल आप लोग की दी गई है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अदर जो भी आप लोग की डिटेल है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड उसकी जानकारी देनी है, टोटल एम्प्लॉयमेंट की जानकारी आप लोग को देनी है, कितने मंथ कितने दिन वगैरह आप लोग के हो गए हैं, अचीवमेंट वगैरह आप लोग की कोई है, ठीक है, SC ST से बिलोंग करते हैं उसकी डिटेल, प्रिफ्रेंस वगैरह आप लोग को यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है, मोबाइल नंबर आधार कार्ड वगैरह। तो ये आप लोग की भर्ती है, अब आप लोग पूरी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे, सर ने बता दिया ये वैकेंसी जो है आप लोग के लिए नहीं है, ये वैकेंसी उन्हीं के लिए है जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में है, डिफेंस सर्विस में है और सिमिलर इक्विलेंट और हायर ग्रेड में है तो ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहूँगा, जांच पर लिखूंगा, यदि चैनल पर चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाई ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।